और मैं 17 ईयर ओल्ड हूँ। आज धर्म की दीवारें इतनी ऊंची हो गई हैं कि प्यार, रिश्ते और अपनापन तो कहीं खो सा गया है। आज इतने वर्षों बाद भी समाज में एक वर्ग है जो सरहद के उस पार बिताए अपने हर पल को याद कर रोता है और हर गिरते आंसू के साथ बस यही कहता है, मैं हिंदू नहीं, तू मुसलमान नहीं, मैं राम नहीं, तू कुरान नहीं, मैं दीपावली की रोशनी नहीं, तू ईद का चांद नहीं, हम सब इंसान हैं, यहाँ कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं। हूँ अगर मैं गीता का अंश तो तू सुबह की नमाज है, तेरे मजहब में है गूंजती मेरे मजहब की आवाज़ है। हमने किए धर्म अलग, सब रिश्ते हैं हमारे, न आंसू जीते न प्यार जीता, बस हौसले हैं हारे। गले लगाकर मिटा देता जिस नफरत को पैदा किया, बस लकीरें खींच दी, न मुड़ कर देखा न अलविदा कहा। मैंने कहा, मैं हिंदू तू मुसलमान, तू एक बार में मान गया, उस मालिक की बनावट को कितनी जल्दी बांट दिया। हाँ अगर गलत था मैं तो तेरे इरादे भी बेपाक थे, हर उठती धड़कन के साथ उठते हथियार थे, लाशों के बीच पड़े कुछ मुर्दे तक हैवान थे, क्या फर्क बस इतना था कि अब हम हिंदू तुम मुसलमान थे। फिर तूने किए हमले और मैं भी चुप बैठा नहीं, दुश्मनी है कैसी मैं रोया तू तड़पा नहीं। क्या ये धागे इतने कच्चे थे जो उलझते ही टूट गए, या रिश्ते इतने नाजुक जो बेवजह ही रूठ गए। कुछ कदमों के रास्तों को सरहदों ने बांट दिया, जानता हूँ मैंने भी दुर्व्यवहार किया, काश वक्त के उस पहलू को फिर से ला सकता, बेबुनियादी नफरत को जड़ से मार सकता, पर शायद व्यर्थ ही सपने सजा लेता हूँ मैं। एक होने की दुआ तो नहीं मगर नफरत को भुला देता हूँ मैं। लेकिन अब बस अंत में तुझसे कहना चाहता हूँ यही, ये धर्म के फासले मिटा दूँ इतनी मेरी औकात नहीं, मैं हिंदू नहीं तू मुसलमान नहीं, हम सब इंसान हैं, यहाँ कोई धर्म नहीं कोई जात नहीं। शुक्रिया।